आगरा कॉलेज सभागार में आराध्य चित्र कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं चित्रकला प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक पेंटिंग देखने को मिली। बता दें, कार्यक्रम का समापन 23 अगस्त को होगा, जहां प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। ये जो यहाँ एक कंपटीशन जो रखा गया है, प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पर 100 पार्टिसिपेंट्स हैं और काफ़ी लोगों ने यहाँ इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की हैं। कल भी मंत्री जी वगैरह आए थे, सब बहुत अच्छे से किया गया है। और हमारे कॉलेज में जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये पहली बार रखा गया है यहाँ कॉलेज में। काफ़ी उत्साह है, बहुत लोग इसको देखने भी आ रहे हैं काफ़ी। और आज देख रहे हैं आप लोग कि संडे है, संडे वाले दिन भी कितने लोग यहाँ आए हैं। हाँ जी सर, एक्चुअली आज संडे होने के बावजूद भी यहाँ काफ़ी सारी भीड़ भाड़ दिख रही है, काफ़ी उत्साह है लोगों में। इस प्रदर्शनी में हमने 10 अवार्ड का भी रखा है, जिसके लिए हमने बाहर से जो है जजमेंट के लिए एक आर्टिस्ट को बुलाया है। लगभग इसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की है और जिसमें से 10 अवार्ड होंगे। एक्चुअली इसमें फर्स्ट अवार्ड सेकंड अवार्ड नहीं है, इसमें हमारी 10 जो श्रेष्ठ कृतियां होंगी उनको हम कला रत्न से, ये 23 तक चलेगा और ये 23 को शाम को 5 बजे समापन है। यहाँ पर मैडम के द्वारा, मेरे ऑफिस में एक मैडम है, उनके द्वारा मुझे पता चला कि यहाँ पर एक एग्जीबिशन है, तो मैंने अपने बेटे को भी पार्टिसिपेट कराया यहाँ पर। उसके बाद कल से मैं यहाँ पर हूँ। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ सारा घुमा और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और बहुत सारी भीड़ थी। उसके बाद मैडम ने बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, इतना मुझे वैसे आइडिया नहीं है कि क्या क्या है, लेकिन देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, जो मन को लग रहा है कि हाँ ये पेंटिंग्स हैं। हमें मतलब ये नहीं पता है कि ये किस तरह की पेंटिंग है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बाहर से बहुत लोग आए थे। मैडम ने काफ़ी, सुनीता मैडम जी जो यहाँ पर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था, सभी लोगों के खाने पीने का भी अरेंजमेंट किया हुआ था मैडम ने। क्या बनाया? पेंसिल स्केच। कैसा लग रहा है? आपने ये पेंटिंग बनाई है तो उसमें आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। चलिए ठीक है, आपकी एज कितनी है? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स।